गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 28 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए आयुक्त के रूप में संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर बात की जाए संजय कोठारी की, तो संजय कोठारी इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के प्राइवेट सचिव थे और संजय कोठारी हरियाणा कैडर में साल 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब दोस्तों अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में सुनील अरोड़ा का भी बात हुआ है, तो सुनील अरोड़ा के बारे में भी जान लेते हैं। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा जी क्या हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अब यहाँ से यह पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ये 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक संस्था होती है जो कि भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बनाई जाती है। किसकी अध्यक्षता में बनाई जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में इनकी नियुक्ति होती है। यह एक भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी सन 1964 ईस्वी में और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतना जानकारी पता चलता है। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम Tianwen-1 रखा है? तो अभी हाल ही में चीन देश ने अपने मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? Tianwen-1, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से जूझ रहे चीन ने 24 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अपने मंगल मिशन का Tianwen-1 नाम रखा है। अब दोस्तों किसके अवसर पर मिशन मंगल का नाम Tianwen-1 रखा है? अपने अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर। अब क्वेश्चन यह उठता है कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाता है चीन अपना? तो चीन अपना हर साल अंतरिक्ष दिवस 24 अप्रैल को मनाता है। और चीन से आप लोगों को पता है चीन से कोरोना वायरस का उद्गम हुआ था, यानी कि वहाँ से उत्पन्न हुआ था। चीन का वह कौन सा शहर था? तो वह चीन का वुहान शहर था, जहाँ से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल गया, जो कि अब वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। अब यहाँ से यह पूछा जा सकता है चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासनिक। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे याद रखना है आपको, CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है। अब दोस्तों चीन की स्पेस एजेंसी है GNSA, और भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं K.शिवन जी। अब चीन ने अपने मिशन मंगल मिशन का नाम Tianwen-1 रखा है, तो चीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, जिसको युआन भी बोलते हैं। अब चीन से एक इम्पॉर्टेंट नदी का नाम है जिसे आप लोगों को याद रखना है। चीन की एक नदी है यांगात्सी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों।
और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम क्या है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतना जानकारी पता चलता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस वैक्सीन के बारे में जो न्यूज आया है उसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन से एक न्यूज आई है जहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, यानी कि इस वैक्सीन का अब ट्रायल मानव पर किया जाएगा। अब इस वैक्सीन को खोजा किसने है? तो इस वैक्सीन को यूनाइटेड किंगडम में एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को खोजा है। और उनका कहना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है, इस वैक्सीन से सफलता मिलने का जो चांस है, जो उम्मीद है, वो लगभग 80% है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसका क्या नाम है? तो कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसका नाम है COVID-19। अब कोरोना वायरस का नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का जो नाम रखा गया है उसे रखा गया है SARS-CoV-2। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब COVID-19 इसका नाम WHO के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों ये जो वैक्सीन खोजी गई है यूनाइटेड किंगडम में खोजी गई है, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन भी बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है दोस्तों। इन देशों का नाम है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है। यह अकेला देश नहीं है, यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटेन भी बोलते हैं। और जिन देशों से मिलकर बना है उनका नाम है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में CISF ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ई ऑफिस एप्लीकेशन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस एप्लीकेशन की हेल्प से CISF की जो फाइलें और दस्तावेज होते हैं, यानी कि जिस CISF की इम्पॉर्टेंट फाइल और दस्तावेज होते हैं, उनको बिना टच किए हुए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे अगर हम लोग फाइल को टच करेंगे तो वहाँ से जो वायरस है, कोरोना वायरस जो अभी हाल ही में न्यूज में काफ़ी है, वो हमारे शरीर हाथ से टच होकर शरीर में एंट्री कर सकता, उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र रखते हुए CISF ने ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब दोस्तों CISF के बारे में हम लोग जान लेते हैं। CISF का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। और CISF का मोटो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, CISF का मोटो क्या है? तो CISF का मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। तो इतना जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलता है। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में COVID-19 मरीजों का इलाज के लिए वाइटल नामक एक उच्च दाब वाला वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो अभी हाल ही में COVID-19 मरीजों का इलाज के लिए वाइटल नामक एक उच्च दाब वाला वेंटिलेटर नासा ने विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है वाइटल, तो सबसे पहले जान लेते हैं वाइटल का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल।
वाइटल है क्या? यह एक उच्च दाब वाला वेंटिलेटर है जिसकी हेल्प से कोरोना वायरस से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको सांस लेने में आसानी हो सकती है और इसी को डेवलप किया है नासा ने। तो नासा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमें पता है दोस्तों, नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना हुई है 1958 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। तो इनके अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन, और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इतना जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर लिया है। तो अभी हाल ही में सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर लिया है। यह कौन किया है? कैलेडियम बैंक ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों, बंधन बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 ईस्वी में, और इसका मोटो है आपका भला तो सबका भलाई, यानी कि जो बंधन बैंक का मोटो है, मोटो याद रखना आप लोगों को, आपका भला सबका सबकी भलाई, यही इसका मोटो है। मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और बंधन बैंक के MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष, और संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष, दोनों यही हैं MD एंड CEO और संस्थापक। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर गवर्नमेंट ने खोंगजोम दिवस मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब खोंगजोम दिवस को मनाया है मणिपुर गवर्नमेंट ने, तो मणिपुर राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, जो कि BJP पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं नजमा हेमतुल्ला। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, यानी कि मणिपुर की जो सीमाएं हैं असम, नागालैंड और मिजोरम राज्यों से मिलती हैं। मणिपुर की लोकसभा में जो सीटें हैं वो 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, और विधानसभा में 60 सीटें हैं। अब आप लोगों को मणिपुर राज्य से एक झील का नाम भी याद रखना है, जिसका नाम है लोकटक झील, और एक नेशनल पार्क भी है मणिपुर राज्य में जिसका नाम है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। इतना जानकारी आप लोगों को मणिपुर राज्य के बारे में पता होना चाहिए। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुआ है पेटीएम का, तो पेटीएम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के CEO हैं योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और पेटीएम के CEO हैं रेणु सती, और संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज दिवस के दिन PM नरेंद्र मोदी ने किस दल को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
ई ग्राम स्वराज पार्टी और स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त दोनों। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंचायती राज दिवस मनाया कब गया था? तो पंचायती राज दिवस अभी हाल ही में 24 अप्रैल को मनाया गया था। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रिम वाटसन का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित है? तो अभी हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रिम वाटसन का निधन हो गया है, वह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया देश की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।